वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। देखिए आज हम एक एक्सरसाइज क्रिएट करने वाले हैं इस तरह से। इसमें ये कंपोनेंट देखिए, हमने एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व बॉस, फिर यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स है, फिलेट, चैम्फर, फिर यहाँ पे कॉस्मेटिक थ्रेड हमने क्रिएट किए हैं और कुछ रेफरेंस प्लेन भी यहाँ पे हमने क्रिएट करके ये कंपोनेंट क्रिएट किया है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पे देखिए हम रियल व्यू ऑफ कर देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका 2D ड्राइंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसका फ्रंट व्यू, फिर टॉप व्यू और बॉटम व्यू, ये सारे व्यू हमने यहाँ पे शो किए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी PCD 62 रेडियस में हमने यहाँ पे क्रिएट किए और ये 170 सर्कल में यहाँ पे देखिए इस तरह से होल हमने क्रिएट किए। फिर ये अब इसका सेक्शन व्यू है जिसमें इन दोनों जो एक्सट्रूड वाले पार्ट है इन दोनों का गैप है 190 mm। फिर यहाँ पे देखिए इसका गैप है, जो दो होल हमने कॉस्मेटिक थ्रेड यहाँ पे अप्लाई किए थे उसका गैप है 60 mm। तो इस तरह से देखिए ये ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर आप एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, सेंटर लाइन, मिड पॉइंट लाइन यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर से हम लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम एक स्केच क्रिएट करेंगे। देखिए इस तरह से हम स्केच एक ड्रॉ किया है हमने, फिर यहाँ पे हम एक सेंटर लाइन और ड्रॉ करेंगे यहाँ पे और इसका डायमेंशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 170 mm। इसका गैप रहेगा, इस लाइन का, लाइन की लेंथ रहेगी 170 mm। अब हम यहां से इसका डायमीटर 305 mm अप्लाई करेंगे, फिर यहां से इसका डायमीटर रहेगा 380 mm। अब यहां से इसकी लेंथ रहेगी 12 mm, फिर यहां से इसकी लेंथ रहेगी 50 mm, फिर यहां से इसका पॉइंट, इन दोनों का गैप रहेगा 65 mm। अब यहां से इस पॉइंट, इस लाइन जो हमने लाइन क्रिएट की थी उसकी, उसका डायमीटर रहेगा 300 mm। और यहां से इसका गैप रहेगा 279.5 mm। देखिए इस तरह से हमने एक स्केच ड्रॉ किया है। अब यहां पे क्या करना है, आप यहां से फ्री एरिया में कहीं भी सर्कल क्रिएट कर देंगे हम। देखिए यहां पे किसी भी जगह आप सर्कल को ड्रॉ कर देना है, फिर यहां पे इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे 320 mm, क्योंकि ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारा वन साइड रेडियस 160 था, उसका डबल 320 mm हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस सर्कल को क्रिएट सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है, होल्ड की आपको प्रेस करके रखनी है, सॉरी कंट्रोल की आपको प्रेस करके रखनी है, होल्ड करके रखनी है, फिर यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन कोइंसिडेंट कर देंगे और ओके कर देना है। अब फिर से हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की होल्ड करके रखनी है, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोइंसिडेंट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया। अब अननेसेसरी जो
लाइन है उसे हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम टूल यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, पावर ट्रिम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसे ड्रैग कर देना है तो वो यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पे भी हम इस तरह से इसे ट्रिम कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया। अभी फिर से एक सर्कल ड्रॉ करना है फ्री एरिया में, हमें कहीं भी इसका डायमीटर हमें अप्लाई करना है 280 mm। फिर यहां पे फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और इसका डायमेंशन अप्लाई करना है 20 mm। फिर से इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को होल्ड करना है, फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक कोइंसिडेंट। फिर यहां पे फिर से इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और यहां पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन कोइंसिडेंट। अब फिर से हम ट्रिम एंटिटी पावर ट्रिम, फिर यहां से अननेसेसरी लाइन को डिलीट कर देना है और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो स्केच है वो ड्रॉ हो गया है, यहां पे क्रिएट हो गया है। अब इसके डायमेंशन देखिए आप, इस तरह से हमने सारे यहां पे अप्लाई कर दिए। अब हमें क्या करना है, यहां पे सिंपली फीचर में जाना है और यहां पे रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। देखिए रिवॉल्व बॉस हमने अप्लाई किया, यहां पे एक्सिस लाइन इसकी इस लाइन को हमें सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा कंपोनेंट यहां पे क्रिएट हो गया है। अब हम यहां पे एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करेंगे, तो प्लेन रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके यहां पे प्लेन को सिलेक्ट करना है। फिर यहां पे देखिए रेफरेंस इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब इस फेस से ये प्लेन की गैप कितनी रखनी है हमें यहां पे, तो हम यहां पे इसकी गैप रखेंगे 140 mm और ओके करना है। प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच। अब यहां पे हम सर्कल क्रिएट करेंगे। आपको यहां पे सर्कल ड्रॉ करना है फर्स्ट, इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम 100 mm। यहां पे हम प्लेन को हाइड कर देते हैं। फिर यहां से इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और मेक रिलेशन वर्टिकल कर देंगे। अब यहां पे एक मिरर एंटिटी हमें करने के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पे सेंटर लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब मिरर एंटिटी में इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और मिरर अबाउट दिस लाइन और ओके करना है। अब इन दोनों का गैप हमें यहां पे सेट करना है। तो 190 mm ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारी साइज इन दोनों के बीच की 190 mm थी, तो इसे यहां पे अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से हमने ये दोनों सर्कल ड्रॉ कर दिए। अब हमें फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ब्लाइंड है, ब्लाइंड कंडीशन, तो हमें सिंपली हमें क्या करना है, यहां पे एक ऑप्शन है अप टू नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है और देखिए ये एक्सट्रूड हो गया है और ओके करना है। अब फिर से इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच। फिर यहां पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका डायमीटर 150 mm अप्लाई करना है। फिर से एक और सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर देते हैं। अब यहां पे सिंपली इस सर्कल को
और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इक्वल कर देना है। फिर से फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। यहां पे देखिए एक्सट्रूड बॉस यहां पे 40 mm, 40 mm यहां पे हमें साइज एक्स की अप्लाई करनी है और ओके कर देना है। फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, फिर यहां पे सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से दो सर्कल हमने ड्रॉ कर दिए और इसकी साइज रहेगी 70 mm। 70 mm हमने इसकी साइज अप्लाई कर दी है। अब हमें इस वाले सर्कल को और इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और इक्वल कर देना है। फीचर में जाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे थ्रू ऑल कर देना है और ओके करना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे इसका होल थ्रू ऑल हो गया है। अब हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मल व्यू कर देंगे। फिर आपको जाना है होल विजार्ड में। ओके, होल विजार्ड में जाने के बाद यहां पे देखिए नॉर्मल होल हमें सिलेक्ट करना है, अनसिमेट्रिक और यहां पे ड्रिल साइज। यहां पे ड्रिल साइज में हम यहां पे इसकी साइज लेंगे 14.5 mm और देखिए यहां पे अप टू नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहां पे इसकी पोजीशन सिलेक्ट करेंगे, और सिंपली आपके कीबोर्ड पे जाके एस्केप की प्रेस करनी है। फिर यहां पे इसका डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे। इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और हमारे इन दोनों की गैप रहेगी 62 144, इसकी पीसीडी रहेगी और ओके करना है। फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पे वर्टिकल कर देना है और ओके कर देना है। देखिए यहां पे होल अप्लाई हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे सर्कुलर पैटर्न में जाएंगे। सर्कुलर पैटर्न में जाके यहां पे हमें जो फीचर हमने यूज किया था उसे सिलेक्ट करना है, इस होल को सिलेक्ट करना है। फिर यहां पे इस वाले डायमीटर को सिलेक्ट करना है, सॉरी इस वाले डायमीटर को सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है, इसके पैटर्न नंबर ऑफ पैटर्न कितने हैं, तो हम यहां पे 10 अप्लाई करेंगे और ओके करना है। देखिए इस तरह से ये सारे होल यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मिरर करना है। ये होल हमें इस वाले फेस पर भी चाहिए, तो यहाँ पे प्लेन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस होल को सिलेक्ट करना है और सर्कुलर पैटर्न, फिर ओके करना है। देखिए इस तरह से ये होल देखिए यहाँ पे कट हो जा रहा है क्योंकि हमने अप टू नेक्स्ट किया था। तो आपको क्या करना है, जो हमने होल क्रिएट किए थे उसे उसमें जाके एडिट फीचर में जाना है। एडिट फीचर में जाके आप हमें यहाँ पे अप टू नेक्स्ट की जगह यहाँ पे ब्लाइंड कंडीशन, तो यहाँ पे इसकी थिकनेस हमने अप्लाई की थी 40 mm, तो हम यहाँ पे इसकी साइज 50 mm कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से होल, जो होल हुआ था वो अभी नहीं शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 50 mm ही इसके होल अप्लाई किए थे। अब हमें इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है नॉर्मल व्यू। फिर से हम होल विजार्ड में जाएंगे,
होल विजार्ड में जाके नॉर्मल होल यहाँ पे एज इट इज ये सारी साइज ड्रिल साइज अनसीमेट्रिक यही रहेगी, बट इसकी ड्रिल साइज चेंज हो जाएगी यहाँ पे 18 mm हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अप टू नेक्स्ट। फिर यहाँ पे पोजीशन, तो पोजीशन में हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सेट कर देते हैं और एस्केप की मदद से आउट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हम डायमेंशन इसका डायमेंशन अप्लाई करेंगे, इसकी पीसीडी रहेगी थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी एम एम इसकी पीसीडी होगी। फिर यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन हॉरिजॉन्टल और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से होल यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर्कुलर पैटर्न में हम यहाँ पे इस होल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न 25 दे देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये होल सारे यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट रेफरेंस, तो हम यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और इसकी गैप रहेगी 138 mm। हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे देखिए बैक साइड में नहीं हमें करनी है, इस साइड में हमें क्रिएट करना है और ओके करना है। फिर यहाँ पे स्केच, यहाँ पे हमें स्केच करना है। अभी हम यहाँ पे स्केच ड्रॉ करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। इस तरह से अब हम यहाँ पे इस फेस से इसकी गैप रहेगी 45 mm और इसका डायमीटर रहेगा 35 mm। यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ पे मिरर एंटिटी इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और मिरर कर देना है, फिर ओके करना है। अब यहाँ पे इन दोनों की गैप रहेगी 60 mm। देखिए इस तरह से हमने ये सर्कल दोनों सर्कल स्केच जो है वो ड्रॉ कर दिए। अब सिंपली फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। फिर से यहाँ पे देखिए थ्रू वॉल है, तो यहाँ पे ब्लाइंड बैक साइड, बट यहाँ पे देखिए अप टू नेक्स्ट कर देना है और ओके करना है। प्लेन को हम हाइड कर देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये दो होल हमने यहाँ पे थ्रेड करने के लिए क्रिएट किया है ये बॉस। फेस को सिलेक्ट करना है और नॉर्मल व्यू। फिर यहाँ पे हम होल विजार्ड में जाएंगे। होल विजार्ड में जाने के बाद देखिए यहाँ पे टैप ड्रिल है, यहाँ पे देखिए टैप्ड होल स्ट्रेट टैप, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अनसीमेट्रिक और यहाँ पे टैप्ड होल इसे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे इसकी साइज रहेगी, इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 22 by 1.5। हमें अप्लाई करनी है और यहाँ पे अप टू नेक्स्ट रहेगा। फिर यहाँ पे इसकी पोजीशन हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे इस सर्कल पर हमें कर्सर ले जाना है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक सेट करना है, फिर दूसरा वाला यहाँ पे सेट करना है और फिर ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसके
जो कॉस्मेटिक्स थ्रेड है जो हमने अप्लाई किए है टैप्ड होल, बट देखिए यहाँ पे थ्रेड शो नहीं हो रहे हैं, तो हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाना है आपको और डिटेलिंग में जाना है, फिर यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड यहाँ पे टिक कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे थ्रेड देखिए अप्लाई हो गए हैं। अब हम यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे, तो फिलेट एक्टिवेट करना है और यहाँ पे इसकी फिलेट अप्लाई करेंगे इस वाली एज पर 2 mm, यहाँ पे हम 5 mm अप्लाई कर देते हैं। ओके 3 mm यहाँ पे हमने फिलेट अप्लाई कर दी है, देखिए इस तरह से। फिर से हम फिलेट में जाएंगे, फिलेट में जाने के बाद यहाँ पे 10 mm फिलेट हमें अप्लाई करनी है, तो कहाँ पे इस वाली एज को सिलेक्ट करना है और इस वाली एज को सिलेक्ट करना है, फिर अंदर की साइड में यहाँ पे अंदर वाली एज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे, और ओके करना है। फिर से यहाँ पे फिलेट अप्लाई करेंगे, तो फिलेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इसकी साइज लिखनी है 20 mm और यहाँ पे इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। फिर यहाँ पे हम चैम्फर अप्लाई करेंगे, इसकी चैम्फर रहेगी 2 mm, तो देखिए इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, फिर इस वाली फेस को और यहाँ पे इसे, फिर ये सारी एजेस को हमें सिलेक्ट कर देना है और ओके करना है। देखिए इस तरह से हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम एक चैम्फर और अप्लाई करेंगे 1 mm की, तो यहाँ पे इस वाली एज पर और यहाँ पर, और सिंपली ओके करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हम अपीयरेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पे मेटल में जाना है, स्टील में जाना है। स्टील में जाने के बाद यहाँ पे हम इसका मटेरियल अप्लाई करेंगे कास्ट स्टेनलेस स्टील, देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पे रियल व्यू ऑफ है, अब रियल व्यू ऑन करेंगे तो देखिए ये इस तरह से कुछ दिखेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कट्स हमने अप्लाई किए थे उन सबको सिलेक्ट करना है, थ्रेड फिर यहाँ पे थ्रेड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखिए इस वाली फेस को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है, फिर इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इस फेस को और इस फेस को सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है, फिर से अपीयरेंस में जाएंगे और फिर यहाँ पे सेटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील इसे सिलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे एडिट अपीयरेंस में जाएंगे, अब इसका हम कलर अप्लाई करेंगे येलो और ओके करना है। अब यहाँ पे फिलेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फिर से एडिट अपीयरेंस
और यहाँ पे इसका कलर दे देंगे रेड, रेड कलर इसे यहाँ पे अप्लाई करना है और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर दी है, इस कंपोनेंट को कम्प्लीटली क्रिएट कर दिया है। इसके सारे फीचर्स और जो भी हमने इसके टूल्स यूज किए हैं वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली अप्लाई किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन लेके, कुछ नया प्रोजेक्ट लेके। तब तक के लिए जय श्री राम।